सबसे पहले फाइल पे क्लिक करनी है और न्यू ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें। 1000 बाई 1000 पिक्सल का एक पेज सेलेक्ट किया है, क्रिएट किया है। हमारे पास विंडो स्क्रीन आ गई है, उसके बाद हम लोग प्लेस कर लेते हैं जो चीज़ें हमें बनानी है। और इसे एम्बेडेड कर देते हैं। तो अब हमारे पास ये फाइल आ गई है, तो इसी को हम लोग बनाएंगे। रेक्टेंगल टूल लें और इसे यहाँ तक अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। फिलर स्ट्रोक पे बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक कर दें और इसकी स्ट्रोक जो है ना, उसकी कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, थोड़ी सी मोटी कर देते हैं। सिलेक्शन टूल लें और इन कॉर्नर्स को पकड़ के अंदर की तरफ रोटेट कर दें। ये हमारे पास कुछ इस तरह का फॉर्मेट आ जाएगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और इसको लॉक कर दें, सिलेक्शन टू इसकी कमांड है। उसके बाद आगे आ जाता है ग्लास। हम लोग ग्लास किस तरह बनाएंगे, तो इसको थोड़ा सा जूम कर लें। यहाँ पे सॉरी, रेक्टेंगल टूल लें और यहाँ पे कुछ इतना सारा ड्रॉ कर लें और इसको भी बाय डिफॉल्ट कर दें। उसके बाद आप सिलेक्शन टूल लें और इसे सिलेक्ट कर लें और इसे थोड़ा सा छोटा कर लें। जो ये वाले दो पॉइंट्स हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके अंदर की तरफ मूव कर दें। जहाँ तक इसका जो फिल कलर है वो हम लोग कर देते हैं, ये फिल कलर है, इसको आई ड्रॉप पर लेते हैं और यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी की सेम कॉपी जो इसका स्ट्रोक है वो फिलहाल बंद है, स्ट्रोक इस पर नहीं है। हम इसकी कॉपी लेते हैं कंट्रोल सी और इसी के ऊपर पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल एफ। अब देखें तो ये अलग से कॉपी है, तो हम लोग इसके ऊपर ही ले आते हैं और इसको छोटा कर लेते हैं। इवन इसको डिलीट कर दें और पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट किया है और उसके बाद एस का बटन दबाएं। स्केल टूल आ गया, ये यहाँ पे पड़ा है इसके अंदर, स्केल टूल। और इन कॉर्नर्स को पकड़ के आपस में मिलाते हैं, तो थोड़ा सा ग्लास के नोक टाइप बन जाएगा। अब इसकी कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वाई से पे एफ से पेस्ट और इसको छोटा कर लें। और इन दोनों को, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली शेप को सिलेक्ट कर लें और माइनस पे क्लिक कर दें। तो उसके अंदर वाला जो हिस्सा था वो ख़त्म हो गया है। तो ये जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके माइनस कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास ये कप टाइप तैयार हो गया। उसके बाद नीचे वाला हिस्सा तैयार कर लेते हैं। ठीक है, इसको जूम कर लें और ठीक हो गया। इन दोनों को पकड़ के अलाइन कर लें, सेंटर में आ जाए। उसके बाद इसके ऊपर एक छोटा सा वो पॉइंट सा बना हुआ है, तो हम लोग रेक्टेंगल टूल लेंगे, उसमें क्लिक करेंगे और हमें थ्री साइड्स वाला चाहिए। उसके बाद हम लोग सिलेक्शन टूल लें, सिलेक्शन टूल लें और इसको पकड़ के यहाँ पे लें, ये बहुत बड़ी शेप है, इसको बिल्कुल छोटा कर लें। इन दोनों को पकड़ के अलाइन कर लें।
और इसको पकड़ के सेंड रेंज जो फ्रंट कर लें, नीचे वाले को थोड़ा सा सेट कर लें, थोड़ा सा ऊपर कर लें। आई थिंक सो भी ये ठीक है, ठीक नहीं है। अब ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इनको पकड़ के हम लोग मर्ज कर देते हैं, ये एक ही ऑब्जेक्ट बना दिया। ये थोड़ा सा बड़ा बन गया, लेकिन जब हम इस सारे को छोटा करेंगे तो फिर ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह हम लोग अब नीचे भी बना लेते हैं। और उसी तरह हम लोग इसके ऊपर भी रेक्टेंगल बना लेते हैं। इसमें ये रेक्टेंगल ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो ये हमारा ग्लास रेडी है, इसको ग्रुप कर लें और इसको एक्सपेंड कर देते हैं।
उसके बाद हमारे पास टैक्स है, हम लोग अपना टैक्स टाइप कर लेते हैं। इसे आउटलाइन में कन्वर्ट कर दिया और इसका जो कलर है वो भी सेम हम यही सिलेक्ट कर लेते हैं। और इन सब को पकड़ के अलाइन कर लिए, ओके हो गया। उसके बाद हम लोगों ने नीचे वाला टेक्स्ट लिखना है, उसके बाद अब हमें यहाँ पे सर्कल में टेक्स्ट लिखना है, तो हम लोग पहले पाथ सेलेक्ट कर लेते हैं। इस अनलॉक ऑब्जेक्ट को अनलॉक कर लेते हैं और इन दोनों को सेंट्रल लाइन कर लेते हैं। और यहाँ से टाइप ऑन द पाथ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। म्यूजिक
इन सब को सिलेक्ट करके और सेंटर अलाइन कर लें और इसको डिलीट कर दें। जो आउटसाइड वाली बात है, स्ट्रोक कलर हमारा है, इसका फिल बंद कर दें और जो स्ट्रोक है इसका भी सेम यही कलर कर लें। तो ये फिल में कन्वर्ट हो गया। पहले हम इसे एक्सपेंड कर देते हैं। अब इसका जो कलर है वो हम लोग सेम यही रख लेते हैं। सबको ग्रुप कर लें। तो ये हमारा लोगो रेडी है। कोई भी चीज़ है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी बनाने में, बस आप लोग इसको फोकस करें कि कौन सा टूल किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आप इजीली बना सकते हैं। और ये कब मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो मैं इसको अनग्रुप कर लूँ इसे, थोड़ा सा इसे भी अनग्रुप कर लूँ। जस्ट इस एक को थोड़ा सा छोटा कर लूँ। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू।